अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन चल रहा है। प्रॉब्लम 54 हंटिंग अ ब्लैक होल है। वो कहता है ऑब्जर्वेशन है जो लाइट एक सर्टन स्टार से आती है, वो इंडिकेट कर रही है हमें कि ये एक ऐसे सिस्टम से आ रही है जो बाइनरी सिस्टम है, यानी दो तारों वाला सिस्टम है, जिसमें से एक तारा हमें नजर आ रहा है जिसकी स्पीड 270 किलोमीटर पर सेकेंड है ऑर्बिटल स्पीड, और उसका टाइम पीरियड भी 1 या 7 दिन है, यानी 1.7 डेज में वो चक्कर पूरा कर लेता है। उसका मास 6 ms के बराबर है। ms क्या है? सूरज का मास, जिसे हम सन मास बोलेंगे, 1.99 × 10⁻³० kg, यानी 6 गुना भारी है वो तारा उससे। अब एक दूसरा तारा जो नजर नहीं आ रहा, ये तो विजिबल की बात होगी, जो उसका तारा अंधेरे में है वो भी तो उसके साथ ही ऑर्बिट कर रहा है। वो कहता है कि उसका मास बताओ जो ms की लैंग्वेज में हो, यानी मल्टीपल ऑफ ms हो। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास दो तारों का सिस्टम है तो उनमें बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। दो तारों के दरमियान की दूरी को हम आर कह देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी दूसरे तारे वाली, वो हम कह देते हैं कि भाई आपके पास m1 m2 ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे m1 v स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर, यानी m1 की वजह से हमने फोकस बना लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वजह से कंसिडर कर ली। अब जनाब चूंकि दो तारों का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास काउंट होगा, तो r जो होगा ये सेंटर ऑफ मास से निकलेगा। हम जानते हैं कि m1 को ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं तो m1 की दूरी तो जीरो हो जाएगी। m2 को हम r दूरी पे मान लेते हैं। यहाँ से हम कह लेते हैं कि भाई आपके r1 निकाला जा सकता है, तो अब r कहेंगे m2, r m1 प्लस m2 आ जाएगा। इस सारे से r निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे जो r1 है वो मैंने कंसीडर कर लिया, कितना vt/2π। तो इस तरीके से अब हमें r भी पता है, r1 भी पता है, ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस जगह पे प्लेस कर देते हैं, दोनों वैल्यूज लग जाएंगी। अब आपके पास मेजेंडा कलर मेजेंडा से कट जाएगा, रेड रेड से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैसेज वाले हिस्से हैं वो एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी हिस्से एक तरफ कर लेता हूँ। m2 की क्यूब प्लस m1 प्लस m2 होल्स के लिए एक साइड v3t2πg आ जाएगा। सारी वैल्यूज पता है, वेलोसिटी भी पता है, टाइम पीरियड भी पता है, 2πg सारी वैल्यूज लगा के 6.9 × 10⁻³० kg ये रेशियो आ जाएगी। अब इसको अगर मैं ms की लैंग्वेज में बोलूं तो ms हमें पता है कि ms में 1.99 × 10⁻³० kg होते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो 3.467 ms आ जाएगा, तो यानी ये रेशियो इसके बराबर आ गया। अब हमें क्वेश्चन गिवन दिया गया था m1 6 ms के बराबर है, जो कि 11.94 × 10⁻³० kg आएगा। अगर हम इस m1 को दूसरी जगह इस्तेमाल करें, यानी m2 में जहाँ पे ये इक्वेशन आई है, m1 की जगह मैंने क्या लगा दिया, 6 ms। अब मैं इस जगह पे m2 को अल्फा ms मान लेता हूँ। अल्फा इज अननोन नंबर फॉर मी, के कुछ ना कुछ मल्टीपल तो होगा ना वो इसका, तो वो जनाब मेरे लिए अननोन है। वो वैल्यू प्लेस करके अब इसमें से ms कॉमन उठाया जा सकता है, ms कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। सिंपल अलजबरा, इस इक्वेशन को दूसरी तरफ जाके दूसरी तरफ माइनस में ले आएंगे, सिंपल अलजबरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा 9.3 ms। अब हमें पता है ms कितना है, 1.99 × 10⁻³० तो ये 1.85 × 10⁻³ kg आएगा, तो m2 का mass इतना होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।